हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे आटे का केक। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आटे का केक बनाना। ये केक बहुत हेल्दी होता है और बहुत ईजी तरीके से बन जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस केक के लिए मैंने ओवन का यूज़ नहीं किया है, हम लोग पैन में पकाएंगे इसे। मैंने एक पैन लिया, उसमें 1 कप नमक डाला है, उसको अच्छे से स्प्रेड किया है। अब हम इसको प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ मैंने 2 बनाना लिए है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश किए हुए बनाना में अब मैं चीनी का बूरा ऐड करूँगी 1/2 कप, और फिर मेल्टेड बटर 1/4 कप, आप चाहे घी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एक बड़ी छन्नी लेनी है, अब मैं उसमें आटा ऐड करूंगी 1/2 कप। इसके बाद मैं इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। इनको आप इसमें मिक्स करना है और फिर छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेना है। अब मैं बनाने वाले वेट मिक्सचर में ड्राई मिक्सचर ऐड करूंगी और हमें इसको हल्के हाथों से मिलाना है। आटा एक बार में नहीं डालना है, 2-3 बार में डालना है। बचा हुआ आटा भी मिला लेंगे। मिक्सचर ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपका बैटर रेडी होता है आपको तुरंत उसको केक टिन में ट्रांसफ़र करना है और उसी टाइम उसको बेक करने के लिए रख देना है। इससे आपका केक स्पंजी बनेगा। अगर आप थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो आपका केक बिल्कुल स्पंजी नहीं बनेगा। मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया अच्छे से, अब मैं उसमें केक का बैटर डालूंगी। हम इसको अच्छे से 2-3 बार टैप कर लेंगे। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। पैन के ऊपर मैंने एक स्टैंड रख लिया है, अब हम इसके ऊपर केक टिन को रखेंगे। ये आपको बहुत सावधानी से रखना है क्योंकि पैन बहुत गर्म होता है। अब हम इसको ढककर 45 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब मैं एक नाइफ की हेल्प से केक को चेक कर लूंगी। अगर नाइफ क्लीन निकले तो केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक को पैन से निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। केक ठंडा होने के बाद अब हम इसको टिन से निकाल लेंगे। आपको अच्छे से केक को निकालना है ताकि टूटे ना। सो फ्रेंड्स, केक बनकर रेडी है, तो आप बताइएगा आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।